जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। अगर इनको लगता है कि भी हमने गलत तरीके से अगर कुछ किया है तो आज सत्ता में है कि हमें कोई कार्रवाई हमारे पर क्यों नहीं करते हैं, तो आज इनके पास सारी सेंट्रल एजेंसीज हैं। पर मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा जो आरोप लगा रहे हैं, जो कब्जाधारी हैं, जिनकी 16-16 दुकानें हैं, एक मॉल नया बना है, पर ये लोग ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक हैं, जो चुनाव के समय ही निकल कर आते हैं। हम तो विपक्ष के अंदर हैं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे पर कार्रवाई करें, हमें गिरफ्तार करिए। बीजेपी से जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जब ये टिकट लेकर आते हैं तब भी जनता को पूछना चाहिए और आज भी जनता को पूछना चाहिए कि मुझे तुम ये बताओ तुमने 10 साल में मेरे लिए क्या किया। जो नकली बीजेपी है, असली बीजेपी है, सारी बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा। इको ग्रीन के ऊपर जो आप बता रहे हैं, जिसके अंदर अनेकों पैसे लोगों ने ले लिए पर उस पर काम कुछ नहीं किया, ये आरोप राव इंद्रजीत जी लगा रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत आपको क्या चाहिए? आज जब आप सत्ता में है तब आपकी अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। अगर आप कहीं विपक्ष में अगर आप विधायक बन गए तो आप क्या करोगे जनता के लिए? आपने जैसा कहा कि 3-4 विधायकों पर कार्रवाई हुई है, ये इतने गंभीर गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कुछ गलत किया होगा तो आप डरोगे। मैं डर नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं, इन्होंने गलत किया है, तभी तो बीजेपी में जाकर चुप रहे हैं। ये सारे नेता जो बीजेपी में घुस रहे हैं, ये क्यों घुस रहे हैं? इनके गलत तरह के सारे काम है, मैं क्या इनके ऊपर आरोप लगाऊं? सारा शहर इनके बारे में जानता है, इनको अवैध कब्जे करने हैं, इनको लोगों की संपत्ति के ऊपर हथियानी है। कि 2 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिए। पक्के घर देने की बात कही थी, पक्के घर लोगों को नहीं दिए। इनको पहले तो अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए कि इन्होंने क्यों कहा था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा। मैं उनके बारे में कहूं, जो कोई पंच रहा हो, कोई पार्षद रहा हो, जिसने आज तक चुनाव किसी का नहीं जीता, उनके बातों में क्या कहूं? अगर रणधीर जी कोई सवाल कहें जो पूर्व विधायक रहे, उनका तो मैं जवाब दूं। इनकी कुछ लेवल तो पूछने की, पहले मैं इनको कहूंगा पहले पंची का, वार्ड का या जिला परिषद का चुनाव पूछ के आए, तब लोगों से कोई सवाल करेंगे। इनको मेरे से आज सवाल करके झूठी राजनीति और अपने आप को चमकाना चाहते हैं, इनको मैं तो चमकने दूंगा नहीं अपना, इनका जवाब का सवाल देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 27 जुलाई को रेवाड़ी में धन्यवाद सभा में शिरकत करने पहुंचेंगे। इसको लेकर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले को लेकर वीरवार को विधायक जी ने रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई और खुलकर सवालों के जवाब दिए। चिरंजीव राव के गुरुग्राम आवास को लेकर लग रहे आरोप पर सवाल पूछा गया तो नाम लिए बगैर पूर्व जिला प्रमुख पर जमकर हमला किया और उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दुकानों व मॉल ही नहीं, दीनदयाल का हिसाब भी मांग लिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मुसेपुर व भाजपा मीडिया पैनलिस्ट मुकेश कापड़ीवास पर भी जमकर बरसे। इतना ही नहीं, नाम लिए बगैर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी लपेट गए। यहां तक कह दिया कि 10 साल पहले गिरफ्तारी की बात करते थे, जांच क्यों नहीं कराई। राव नरवीर सिंह से लेकर अन्य नेता भी अपनी सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी विधायक रावदान सिंह सहित 3 विधायकों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का भी जवाब दिया। अब आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से पूरी तरह से रोद रूप में दिखाई दिए रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव। मुझे लगता है बीजेपी के जितने भी नेता हैं, हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं हरियाणा मांगे साहब, उसको कराने का उद्देश्य यही है कि ये जवाब दें जनता को कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। आज ये जितने भी नेता हैं जो बीजेपी में हैं, जो खुद आरोप लगाते हैं, चुनाव में भी लगाया था कि फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की समस्या शहर के अंदर है, शहर की बदहाली है, आज बेसहारा पशु पूरे शहर में, टूटी सड़कें हैं, आज डॉक्टर स्ट्राइक पे, तो इन बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आज ये बीजेपी से टिकट जो ये नेता मांग रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि ये इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर पाए? आज जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, सत्ता के अंदर हैं, इतने साल बीत जाने के बाद भी जब ये इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो इनको खुद जवाब देना चाहिए इस बात का। तो एक मंगोलिया के आजकल आपके घर का जिक्र हो रहा है, क्या है आखिरकार, क्या छुपा उस घर में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी आज 1 लाख रुपए की खरीदी, आज से 10 साल बाद उसकी कीमत क्या 1 लाख रुपए ही होगी या कितनी होगी? आप मुझे बताइए, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। और जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। अगर इनको लगता है कि भाई हमने गलत तरीके से अगर कुछ किया है तो आज सत्ता में है कि हमें कोई कार्रवाई हमारे पर क्यों नहीं करते हैं, तो आज इनके पास सारी सेंट्रल एजेंसीज हैं। पर मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा जो आरोप लगा रहे हैं, जो कब्जाधारी हैं, जिनकी 16-16 दुकानें हैं, एक मॉल नया बना है, किसी ने कई कई फ्लैटों पे कब्जे कर रखे हैं, कईयों ने बहुत गलत काम कर रखे हैं, मुझे लगता है इन लोगों को पहले जनता को जवाब देना चाहिए कि तुमने किस तरह के काम किए हुए हैं।
हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि लोगों के लिए बीच में रहकर उनकी राजनीति करें, पर ये लोग ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक हैं जो चुनाव के समय ही निकल कर आते हैं। पर इनको ये बताना चाहिए कि 9 साल जब तुम सत्ता का सुख भोग रहे थे तब तुमने लोगों के लिए क्या किया, इस बात का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। आज जो ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इनके लिए पूरा शहर जानता है कि इन्होंने किस तरीके से पूरे शहर पे कब्जे किए हैं, किस तरह से कुछ लोग दीनदयाल लेके आए जिसके जरिए उन्होंने अवैध तरीके से जो गरीबों के फ्लैट थे उन पे कब्जा करके लोगों को देने का काम किया है। इस बात का जवाब इन लोगों को जनता को देना पड़ेगा। दूसरों पे आरोप तब आप लगाइए जब किसी ने गलत तरीके से किया हुआ है। आपके पास जो भी मेरे पास है आज पब्लिक डोमेन में है, और ये लोग आज सत्ता के अंदर है, इनके पास सारी ताकतें हैं। हम तो विपक्ष के अंदर है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे पर कार्रवाई करें, हमें गिरफ्तार करिए। पिछली बार जब संसद का चुनाव हुआ था तब भी नेताओं ने कहा था हमें गिरफ्तार करेंगे, उस बात को भी आज 10 साल बीत चुके हैं। आज मुझे लगता है ध्यान भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने लोगों के लिए काम क्यों नहीं किया। आज जब ये जनता के बीच में जाएंगे, आज सीवरेज ओवरफ्लो जो पूरे शहर में हो रही है, आज बंदरों का जो आतंक है, जो बस स्टैंड नहीं बन पाया, जो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, जो एम्स नहीं बन पाया, जो धारडा का बस स्टैंड नहीं बन पाया, जो गंदे पानी जो आता है राजस्थान से, आज इनकी सरकार है राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और देश में भी, उसका भी आज तक ये नहीं कर पाए हैं समाधान। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। ये बीजेपी से टिकट जो मांग रहे हैं, बीजेपी से जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जब ये टिकट लेकर आते हैं तब भी जनता को पूछना चाहिए और आज भी जनता को पूछना चाहिए कि मुझे तुम ये बताओ तुमने 10 साल में मेरे लिए क्या किया। जो नकली बीजेपी है, असली बीजेपी है, सारी बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं के मंत्री है राव नरबीर जी, इन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जितना भ्रष्टाचार पिछले 4-5 सालों में हुआ है आज से पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इको ग्रीन के ऊपर जो आप बता रहे हैं जिसके अंदर अनेकों पैसे लोगों ने ले लिए पर उस पर काम कुछ नहीं किया, ये आरोप राव इंद्रजीत जी लगा रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत आपको क्या चाहिए। इनके पूर्व विधायक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भारी भ्रष्टाचार है, इनके नेता जो टिकट मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं शहर के अंदर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज अधिकारी आपके हैं तो क्या आपकी आज जब आप सत्ता में हैं तब आपकी अधिकारियों पे पकड़ नहीं है? अगर आप कहीं विपक्ष में अगर आप विधायक बन गए तो आप क्या करोगे जनता के लिए? जब आप सत्ता में हो तब आप लोगों के काम नहीं कर पा रहे। जो आज फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की जो समस्या है, जो लोगों की पेंशन कटी है, राशन कार्ड कटे हैं, जब आप आज उसका समाधान नहीं कर पा रहे तो जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप आगे कर लोगे? आज जो कुछ लोग घूम रहे हैं गली गली जो घूम रहे हैं, इनसे ये पूछते जब लोगों को तकलीफ हो रही थी कोरोना के अंदर तब ये क्या गली गली गए थे? क्या ये गए थे कोविड वार्ड के अंदर जहां मैं गया था? इनमें से कोई भी आपको नजर वहां पर आया था जब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, ओपीटी बेड नहीं मिला था, वेंटिलेटर नहीं मिले थे, तब ये लोग कहां थे? तब कहां ये गायब हो गए थे? तब तो अपने घरों में छुपे हुए थे। किस चीज का बेनाम मांग रहे हैं? आपके विधायक के बेनाम इतनी संपत्ति निकलती है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप 36 फ्लैट्स के बिना में निकल जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति जब्त होती है, आप किस तरह की आप देखिए अमित जी मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया उसका जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो ना। आपने जैसा कहा कि 3-4 विधायकों पर कार्रवाई हुई है, ये इतने गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत किया है, हम तो पब्लिक सर्विस में आज से नहीं है, मेरे दादा 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता विधायक रहे, अगर हमने कुछ गलत किया है, कितने साल इनको आज सत्ता में हो गए, आज इनको 10 साल हो गए, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने गलत कुछ किया ही नहीं, तभी तो नहीं हो रही है। आपने कुछ गलत किया होगा तो आप डरोगे। मैं डर नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं, इन्होंने गलत किया है तभी तो बीजेपी में जाकर चुप रहे हैं। ये सारे नेता जो बीजेपी में घुस रहे हैं, ये क्यों घुस रहे हैं? इनके गलत तरह के सारे काम है, मैं क्या इनके ऊपर आरोप लगाऊं? सारा शहर इनके बारे में जानता है, इनको अवैध कब्जे करने हैं, इनको लोगों की संपत्ति के ऊपर हथियानी है, ये लोग बीजेपी में सारे घुसे हुए हैं। इनको ये पता है कि आज हमारा समय, हम बीजेपी से छुप के अपनी राजनीति चमका लें, वो राजनीति अपनी चमका रहे। इनको कोई चुनाव लड़ने से और जनता की सेवा से इनको कोई सरोकार नहीं है। वो
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नेता का इस तरह का जवाब देना, जो एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, मंत्री है, वो ये बात कह रही है आपको। मैं सच्चाई है, आज तो ये देश देख रहा है कि जितनी कच्ची नौकरियां इस सरकार ने दी है पूरे देश में या हरियाणा की पूरे जो राजनीति है उसमें आज तक कभी नहीं हुए। इनकी इच्छा शक्ति यही है कि लोगों के पक्के रोजगार हम छीनते जाएं। अग्निवीर स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आज जो हमारे बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं उसकी, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार साल की नौकरी के लिए अगर आप करेंगे उसके बाद उनको कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती। एक जनवरी में हमारा शहीद हुआ था, आज सात साल बीत जाने के बाद भी उसको सरकार की तरफ से एक रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। उनके परिवार के लोग खुद आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी सरकार है जिसको किसी से कोई सरोकार नहीं। आज जनता यही तो हिसाब मांग रही है कि 2 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिए। पक्के घर देने की बात कही थी, पक्के घर लोगों को नहीं दिए। आपने स्वच्छ पानी की कही थी, स्वच्छ वातावरण की कही थी। आपने कहा था कि शहर के अंदर टूटी सड़कें नहीं होंगी, शहर को सिंगापुर बनाया जाएगा। इन नेताओं से यह पूछना चाहिए, तुमने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा, इनको पहले तो अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए कि इन्होंने क्यों कहा था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा। इनको इस बात का जवाब तो देना चाहिए, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रेवाड़ी को नगर निगम बना देंगे, रेवाड़ी अब तक इन्होंने नगर निगम क्यों नहीं बनाया। विधायक जी, एक टर्म को छोड़ दीजिए, सत्ता आपकी रही है रेवाड़ी। एक टर्म नहीं, दो टर्म होगी ना जी, 2014 से 24 आ गया, 10 साल बीत चुके हैं। और मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप, मैं उनके बारे में कहूँ, जो कोई पंच रहा हो, कोई पार्षद रहा हो, जिसने आज तक चुनाव किसी का नहीं जीता, उनके बातों में क्या कहूँ। अगर रणधीर जी कोई सवाल कहे जो पूर्व विधायक रहे, उनका तो मैं जवाब दूं, जिनका मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ, हरियाणा का मैं चुना हुआ विधायक हूँ, आज मैं AICC के अंदर सेक्रेटरी हूँ। इनकी कुछ लेवल तो पूछने की, पहले मैं इनको कहूंगा पहले पंची का, वार्ड का या जिला परिषद का चुनाव पूछ के आए, तब लोगों से कोई सवाल करेंगे। इनको मेरे से आज सवाल करके झूठी राजनीति और अपने आप को चमकाना चाहते हैं, इनको मैं तो चमकने दूंगा नहीं अपना, इनका जवाब का सवाल देखे। जनता मेरे से सवाल कहेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा, इन लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। विधायक जी, सवाल है कि लोग रेवाड़ी के, ये जो लोग कब्जा करते हैं इनको क्या जवाब दें? इनको जवाब जनता देगी, पिछले चुनाव में दे दिया। ये जानना चाहते हैं कि विधायक चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन साहब चुनाव लड़ेंगे, अब लोग कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव हाथ का निशान होगा, वो चुनाव लड़ेगा, चिरंजीव राव चुनाव लड़ेगा या कप्तान अजय सिंह चुनाव लड़ेगा, रेवाड़ी की जनता चुनाव लड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक लास्ट, एक समाजवादी पार्टी 2 टिकट मांग रही है कि भोसले और वो दे दें, आप कितनी, आप भी राष्ट्रीय टीम में शामिल है कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी हमारी एक पुरानी एलाई है, इस बात का फैसला तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा कि उनको सीटें देंगे नहीं देंगे, इस बात का फैसला तो उन लोगों को करना है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं और ये तो फैसला उनका है कि वो उनको टिकट देंगे नहीं देंगे। हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं और इसका आखिरी फैसला तो उनको लेना है, अगर वो लेते हैं तो हमें उसके अंदर कोई एतराज होना नहीं चाहिए किसी को भी।